आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कराची में बहुत काम हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा अभी भी जरूरत है। कराची के मसाइल हल करने के लिए 10 अरब डॉलर चाहिए होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शाहराह फैसल पर पहले बारिश होती थी तो बंद हो जाती थी, शाहराह फैसल पर काम किया तो अब ज्यादा देर पानी नहीं रहता, काम करना चाहते हैं, कुछ स्टे ऑर्डर्स की शक्ल में भी रुकावटें आ जाती हैं। बहुत सारे इलाकों में तरक्याती काम करवाए गए, कराची के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत ने कहा कि जितने मसाइल हैं उसके लिए वसाइल बहुत ज्यादा चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस बात का एहसास है। वर्ल्ड बैंक से कराची के लिए ही कर्ज लिया गया है। कराची के मसाइल हल करने के लिए 10,000 मिलियन डॉलर चाहिए। उसी जाने पीटीए रहनुमा खुर्मशीर जमान ने कहा है कि सूबाई वज़ीर इत्तला'आत नासिर हुसैन शाह की तरफ से कराची के मसाइल हल करने के लिए 10,000 मिलियन डॉलर की बात सुनकर हंसी आ रही है। सिंध हुकूमत को पैसा चाहिए, माल खप्पे। रहनुमा तहरीके इंसाफ ने मजीद कहा कि सक्खर नवाब शाह लाड़काना ने इनको वोट दिया है, वहाँ कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। तहरीकात के अरबों रुपए से कहते हैं शाहराह फैसल बनाई गई, मास ट्रांजिट मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। उन्होंने कहा है कि 12 सालों में सीवेज का निजाम ठीक नहीं कर सके, सूबाई हुकूमत सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकी। सिंध हुकूमत की नालायकियों पर पूरी किताब लिख सकता हूँ। पीपल्स पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, न उन्हें मंजिल का पता है।